वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। अफगानिस्तान विच नवी सरकार बनन तो बाद हुण दुनिया के देश तालिबान के समर्थन विच आ रहे ने। इस मामले विच सऊदी अरब ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर करदिया तालिबान सरकार का खुल के समर्थन किया है। इन्ना ही नहीं, यह भी कहा है कि तालिबान के अंदरूनी मामले विच किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार योग नहीं होगी। इस गल का प्रगटावा विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सोद ने कहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसनु उम्मीद है कि एक निगरान सरकार के आने नाल युद्धग्रस्त देश नु स्थिरता प्राप्त करन अते हिंसा अते कट्टरवाद दे काबू पाने विच मदद मिलेगी। विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सोद ने शासन प्रति तालिबान ते पहुंच बारे ज्यादातर विस्तार दिते बगैर सऊदी अरब बाहरी दखल अंदाजी तो दूर अपने देश दे भविख बारे अफगान लोगों के विकल्पों का समर्थन करेगा। सऊदी राजधानी रियाद विच एक न्यूज कॉन्फ्रेंस विच प्रिंस फैजल बिन फरहान ने कहा है कि राज नु उम्मीद है कि अफगानिस्तान विच एक देखभाल करने वाले प्रशासन का गठन, सुरक्षा अते स्थिरता की प्राप्ति, हिंसा अते कट्टरवाद नु रद्द करने की इच्छावां दे अनुसार एक सुनहरे भविख के निर्माण की दिशा वाल एक कदम चुकेगा। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा है कि असीं अफगानिस्तान की प्रभु सत्ता का सतिकार करते हैं, इस मुश्किल समय नाल निजिठण विच सहायता प्रदान करने का वादा किया है। उसने अफगानिस्तान के लोगों अते पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट बंब धमाकों विच मारे गए लोगों के परिवारों प्रति हमदर्दी भी पेश की है। सऊदी मंत्री ने नोट किया है कि अफगान लोगों नु अपने देश लिए भविख दी चोणां करन दे योग होना चाहिए। सऊदी मंत्री ने कहा कि तालिबान अते होर सारियां अफगान पार्टियां उम्मीद नाल शांति अते सुरक्षा बनाई रखण अते नागरिक दे जान माल दी सुरक्षा लई काम करनगियां। जिक्रयोग है कि अफगानिस्तान विच 1996 तो 2001 तक तालिबान दे पहले शासन दे दौरान सऊदी अरब, पाकिस्तान अते संयुक्त अरब अमीरात दे नाल तीन देशां विच शामिल सी, जिस ने शासन दे वैधता नु स्वीकार किया सी।